आपने डीएनए का नाम तो जरूर सुना होगा और उससे भी ज्यादा आपको डीएनए टेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि अक्सर फिल्मों और सीरियल्स में इसका जिक्र हो ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डीएनए आखिर होता क्या है, कहाँ पाया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको डीएनए से जुड़ी सारी खास जानकारियां देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और डीएनए को आसानी से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि डीएनए क्या है और ये कहाँ मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर, और हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका में डीएनए यानी कि जेनेटिक कोड पाया जाता है। सिर्फ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं होता है, ये डीएनए ही हमें हमारी पहचान देता है। ये डीएनए इतना महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमारे डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं। अधिकांश डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, और डीएनए का एक स्मॉल पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है और ये जैविक अम्ल नाइट्रोजन चारों से मिलकर बनता है। इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेसिस पाए जाते हैं और डीएनए का लगभग 99% हर इंसान में सिमिलर होता है। डीएनए एक लंबी जंजीर जैसा दिखने वाला अणु होता है जो जीव की आनुवंशिक विशेषताओं को एनकोड करता है। वैसे हैरानी की बात ये है कि अगर हमारे शरीर में मौजूद सारे डीएनए को सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे होंगे कि सूरज तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस अर्थ पर आ सकेंगे। जीन हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी नुमा आकृति बनाता है और इसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स का डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाए जाते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में ये पाए जाते हैं फास्फेट अणु, एक शुगर मॉलिक्यूल जिसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी बेसिस, इसमें 4 बेसिस पाए जाते हैं, एडीनाइन ए, साइटोसिन सी, गुआनिन जी और थायमिन टी। इन चारों बेसिस का क्रम ही आनुवंशिक कोड बनाता है जो जीवन के सभी जरूरी कामों को करने के लिए हमें निर्देश देते हैं। इन बेसिस के क्रम को डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। इन बेसिस में से एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड के साथ ये बेस एक फास्फेट और एक पेंटोस शुगर के साथ भी बंधा होता है, इसीलिए नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट और पेंटोस शुगर से बने डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए अपने स्ट्रक्चर की हूबहू कॉपी बना सकता है, यानी डीएनए अपने जैसा नया डीएनए बना सकता है, और ये प्रक्रिया सेल डिवीजन के लिए जरूरी भी होती है। अक्सर डीएनए से बना हुआ नया डीएनए 100% उसके समान ही होता है, लेकिन कभी कभी जब ये नया बना डीएनए पूरी तरह समान नहीं हो पाता है तो बॉडी में हार्मफुल म्यूटेशंस भी पैदा कर सकता है। आप डीएनए को एक पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए हमारे शरीर की सारी जानकारी अपने अंदर स्टोर करके रखता है और 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट्स की जानकारी स्टोर कर सकता है। तो सोचिए, अगर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहे तो आपको सिर्फ 2 ग्राम डीएनए की जरूरत पड़ेगी। वैसे डीएनए क्या होता है और कहाँ पाया जाता है ये जानने के बाद अब सवाल ये है कि डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए को सबसे पहले जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मेशर ने 1869 यानी कि 1869 में ऑब्जर्व किया, लेकिन बहुत सालों तक इस मॉलिक्यूल की इम्पोर्टेंस रिसर्चर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच नहीं पाई। लेकिन जब 1953 में यानी कि 1953 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोज निकाला, तब ये समझा जाने लगा कि ये डीएनए बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। इसके लिए वॉटसन, क्रिक और विकिंस को 1962 यानी कि 1962 में मेडिसिन का नोबल प्राइज भी मिला। डीएनए के मॉडल को वॉटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब डीएनए के इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के इम्पोर्टेंट काम करता है।
रेप्लिकेशन डीएनए के नकल करने की प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए अपनी नकल करके अपने जैसा दूसरा डीएनए बना लेता है। ऐसा होने से शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या नियंत्रित रहती है और सेल डिवीजन भी प्रेरित होता है। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए हमारे शरीर में मौजूद आरएनए का निर्माण करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना भी डीएनए का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। और आइए अब डीएनए टेस्ट के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में आपने काफी सुना है। हर इंसान के डीएनए में उसके हेरिटेज की जानकारी होती है और डीएनए टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने, जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चे में मदर और फादर दोनों के जीन्स होते हैं और डीएनए टेस्ट के जरिए बच्चे के पेरेंट्स का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट की मदद से किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और इस आधार पर डीएनए टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आपके आने वाली जनरेशंस के बालों का रंग, आंखों का रंग कैसा होगा और साथ ही अगली पीढ़ियों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसका पता भी लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट की मदद से न्यूबॉर्न बेबीज में जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है ताकि समय रहते ही उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा बच्चे के जन्म से पहले भी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। और आजकल तो कुछ ऐसे नए टेस्ट भी हो रहे हैं डीएनए के, जिसमें ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके पूर्वज दुनिया के किस कोने से आए थे, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ था। खैर, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी रिसर्च आए दिन डीएनए से जुड़ी हुई आती रहती है और अभी भी इस फील्ड में काफी सारा काम किया जा रहा है और किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही जटिल विषय है। इसी के साथ दोस्तों, अब आप डीएनए के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं और क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल जरूर लगी होगी। इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर डीएनए के बारे में कोई जानना चाहता है तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।